इतना आसान होता है नफ़रत कर जाना? एक फेसबुक पोस्ट से, पोटली में बंधे गोश्त से, टीके से या टोपी से, दलित से या सूफी से, एक हिंजड़े से या लेस्बियन से, क्यों हम आज डरे हुए से हैं? क्यों हमने भरोसा खो दिया है? क्यों नफ़रत करना आसान, मोहब्बत करना मुश्किल? क्यों सड़क पर किस करना मुश्किल और लिंच करना आसान? क्यों हम इंसानियत भूले हुए हैं? और इंसानियत भी रोज़ रोज़ बदलती रहती है। कभी कभी लगता है कि हमने इंसानियत की परिभाषा, उसके माने ही गलत पढ़ लिए हैं। प्यार, मोहब्बत, एकता, इसको इंसानियत समझा था, नफ़रत, जुल्म, मारपीट, आइडेंटिटीज़, डिस्क्रिमिनेशन, इसको इंसानियत पाया है, बहुत कुछ गवाया है। क्यों इतना आसान होता है किसी को काट के, मार के सड़क किनारे डाल देना? कल एक ट्रांस वुमन के साथ किसी गली में बलात्कार हो गया, किसी पर किसी ने एसिड उंडेल दिया, किसी दलित को उसकी जात में ही समेट दिया। ऐसा नहीं है कि हम प्यार नहीं करते हैं, हम प्यार करते हैं, बड़ा दिल लगाकर करते हैं, बड़े जुनून से करते हैं, इस हद तक करते हैं कि उसके लिए किसी को मार भी सकते हैं। हम प्यार करते हैं मगर सिर्फ खुद से, अपने भगवान से, अपने धर्म से, अपने धर्म के लोगों से, अपनी जात से, अपनी सोच से, अपने देश के तसव्वुर से। बस जो कोई हमसे ज़रा सा भी अलग हो, अलग रंग का, अलग देश का, अलग जात का, उसको शायद हम नफ़रत नहीं करते मगर अपने से कमतर पाते हैं, और उस पर जो जुल्म होता है उसमें हाथ बटाते हैं। जनाब, ये रोज़ का हाल है। जब जब हम अपनी आरामदेह कुर्सियों पे बैठकर बेहतरीन खाने खा रहे होते हैं, इन नफ़रतों से मुंह मोड़ रहे होते हैं, तो हम ये नहीं जानते कि जुल्म रुकने वाला नहीं है, उसके हाथ हमारी गर्दन तक ज़रूर पहुँचेंगे। फिर मोहब्बत की बातें करने का क्या फ़ायदा, फिर आवाज़ उठाने का क्या फ़ायदा? बड़ा आसान सा सवाल है, आप बताइए, खुद अपने आप से पूछो, मोहब्बत करना मुश्किल है या नफ़रत करना आसान? अपने दिल से पूछो, उसको इश्क में डुबोना है और इनकलाबी बनाना है या फिर नफ़रत में बांध देना है? अपने फेफड़ों से पूछो कि वो साफ हवा में सांस लेना चाहते हैं या नफ़रतों की धुंध में? अपने हाथ से पूछो कि वो किसी से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ेंगे या किसी को छुरा घोंपने के लिए आगे बढ़ेंगे? अपने आप से पूछो क्या बेहतर है, किसी को देश के बाहर जाने को कहना या बाहें खोलकर उसे देश में मेहमान बुलाना? अपने फेसबुक पोस्ट और हर व्हाट्सएप मैसेज से पूछो कि वो अमन और प्यार और एकता के डाकिए हैं या फिर नफ़रत के डाकू? अपनी रूह से पूछो कि जिस्म तो है लेकिन क्या रूह इंसान है? So I'm not going to talk about my work, or I'm not going to deliver any inspirational message over here. As it is, no one should attach a lot of hope to a 15-minute conversation. It is too small to deliver a thought. I am just going to ask you an absolutely simple question, the question that is where all my work stems from, and that question is very simple. Hum itni aasani se nafrat kaise karte hain? Why is it so easy for us to hate? We've always been told ke hum jo insaan hai na, hum mohabbat karne wale hain, hum khush rehne wale logon mein se hain. To phir hamare zehnon mein kisi zaat ko leke, kisi mazhab ko leke, kisi gender ko leke, sexual orientation ko leke, hamare zehnon mein itne stereotypes kyun hain? Ye stereotypes aur ye indifference wo hai jo nafraton mein contribute karta hai. कभी आपने सोचा? इनफैक्ट आई थॉट दिस इज़ समथिंग जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा होगा. हम ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पे हर कोई नफ़रत और प्यार की बातें करता है. इतने सारे फ़लसफ़े हैं, किसी ना किसी ने तो इसके बारे में बात की ही होगी. आई सर्च्ड एवरीवेयर, आई डिड नॉट फाइंड वन
one talk or one academic article apart from just a small blog post that talked about how easy it is for us to hate. हम आपसे भी यही बड़ा आसान सवाल पूछने जा रहे हैं. Just to be very clear from the very beginning, hate is a process. It is posited in a socio-political economic processes, and there are various factors involved, and I can deliver a lecture on how hate is manufactured, but right now the first step to understand that, I want you all to tell me that is it easy to hate because you saw one Facebook post? Please say yes or no. Huh? Is it? For one cartoon, one WhatsApp message, but there are so many controversies around these things. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि नफरतें रात भर में नहीं बनाई जाती. आज आपने कोई पोस्ट पढ़ा, सुबह उठ के आप नफरत नहीं करने लगते किसी से. नफरतों को साल, दरसगा दर दरसगा, मुल्क दर मुल्क, कम्युनिटी दर कम्युनिटी, एक दूसरे के अंदर बिठाया जाता है. कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं खुले हैं जो नफ़रत बांट रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. हमारे पालने पोसने में ही नफ़रत है. हम इस तरीके से बड़े किए जाते, कोई भी हो, हम इस तरीके से बड़े किए जाते हैं कि हमारे अंदर स्टीरियोटाइप्स, नफ़रत और इनडिफरेंस को भर दिया जाता है. हमें बता दिया जाता है कि भाई हमारा कल्चर पूरी कायनात में सबसे आला, अफजल, आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, नथिंग कैन बीट दैट, एवरीवन एल्स इज लेस देन अस. दिस इज समथिंग दैट वी आर टॉट. ओ गॉड, दिस वुमन इज एब्सोल्युटली मैड, व्हाट इज शी सेइंग? आवर पेरेंट्स आर सो अमेजिंग, दे हैव टॉट अस अबाउट लव एंड हार्मनी एंड इनइक्वालिटी एंड दे आर सो प्रोग्रेसिव एंड आई मीन कम ऑन, वी हाउ आर वी इवन कास्टिस्ट? हम कैसे जातिवादी हैं? हमारा तो फलां कास्ट का दोस्त है. हम कम्यूनल है ही नहीं. हमारे पापा के तो फलां मज़हब के इतने सारे दोस्त हैं जिनके घर हम फलां फलां फेस्टिवल में जाते थे. हम पेट्रियार्की और मिसोजिनिस्ट हो ही नहीं सकते. हम तो अपने घर के औरतों को अलाउ करते हैं कि वो काम करें. वी आर ऑल वेरी प्रोग्रेसिव ह्यूमन बीइंग्स, बट लेट अस गेट बैक टू फैक्ट्स. फैक्ट्स फैक्ट्स. NCER डेटा 2016 टेल्स दैट इन अ कंट्री व्हिच इज इंडिया, देयर आर अराउंड 1.3 बिलियन पीपल. बड़ा डाइवर्स है हमारा भारत देश यार, हर मज़हब के लोग रहते हैं, हर कास्ट के लोग, सब कितने हारमनी में रहते हैं. बट 1.3 बिलियन पीपल इन दिस कंट्री एंड ओनली 5% मैरी आउटसाइड कास्ट एंड ओनली अराउंड 2% आउटसाइड रिलीजन. अब बताइए हम कितने डाइवर्स हैं, अब बताइए हम कितनी मोहब्बत करते हैं, अब बताइए हम कितनी हारमनी में जीते हैं. मेरी जान, जितनी बार आप कोई भी ऐसी गाली देते हैं जो कि किसी औरत की सेक्सुअलिटी, उसके कैरेक्टर के ऊपर सेंटर्ड हो, आप नफरत कर रहे हैं. अगर वो कास्ट के अराउंड हो, आप नफरत कर रहे हैं. आप जितनी बार किसी लड़के को औरत होने पे या औरतों जैसा व्यवहार करने के ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं, आप नफरत कर रहे हैं. आप जितनी बार किसी लाजवाब लड़की को मर्दाना कह रहे हैं, आप नफरत कर रहे हैं. एंड इट इज़ सो सिंपल. आप जितनी बार अपने घर में बच्चों को सिखा रहे हैं कि जो गोरा है वो सुंदर है, जो काला है वो सुंदर नहीं है, आप नफरत कर रहे हैं. आप जितनी बार कह रहे हैं कि हमारे कल्चर का खाना उनके कल्चर के खाने से बेहतर है, आप नफरत कर रहे हैं. स्पेशली व्हेन यू आर सेइंग दैट योर आइडियाज, योर स्ट्रक्चर, योर वे ऑफ द वर्ल्ड, योर पर्सपेक्टिव इज बेटर एंड एवरीवन शुड फॉलो इट, स्पेशली दोज हु आर मार्जिनलाइज्ड, वेदर बिकॉज ऑफ एबिलिटी, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, रेस, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आप नफरत कर रहे हैं. Why is it so difficult for us to understand that we hate and hate is so easy for us? It is so easy. सच बताएं, अभी हम छोटी सी एक्सरसाइज कराएंगे एंड यू वुड ऑल एक्सेप्ट द फैक्ट दैट हमें प्यार अनकंफर्टेबल करता है और नफरत हमारे लिए नॉर्मलाइज्ड है. क्लोज योर आइज एवरीवन. आई कांट सी यू बट आई होप यू विल, आई कैन ट्रस्ट यू ऑल दैट यू विल क्लोज योर आइज. क्लोज योर आइज. नाउ इमेजिन अ रोड, कोई भी बनारस की गली इमेजिन कर ली. इमेजिन अ रोड इन बनारस, अ स्ट्रीट इन बनारस. नाउ इमेजिन देयर इज अ ह्यूज ट्रैफिक जैम एंड देयर इज दिस बाइकर हु कम्स एंड देन हिज बाइक हिट्स अ कार.
by mistake. And the car is brand new, gets a scratch. This other guy comes out of the car, uber masculine, holds the collar of this other guy whose bike it was, and starts shouting at him. How normal is it? Is it something that is different? Especially in your country, in our country, is it something that is different? It's just such a normal thing. And if I'm standing on the side of the road or anyone of one of us, we will not go and intervene because, well, ye roz hota hi rehta hai. Now, on the same street, again close your eyes and imagine ek ladka ladki ek dusre ko pyar kar rahe hain. How obscene. How uncomfortable does the fact that a man and a woman kissing each other on the road makes us? Aur bhi zyada. Imagine kariye ek ladka ek ladke ko pyar kar raha hai. Far more obscene. It makes us cringe. It makes us so uncomfortable. Now imagine a man walking on the road with a gun tied on his belt, attached to his belt. Very normal. हमारे पिक्चरों में इतना normalized है ये चीज़ कि हमें अजीब नहीं लगता यार. बड़े बाप का बेटा होगा, गन लेके जा रहा है. Such a normal thing for us. Now imagine the same man wearing a sari and roaming on your street. So uncomfortable. So uncomfortable. It makes us cringe. It makes us, and that's the problem. Because something that is absolutely harmless, two people loving each other irrespective of their gender, caste, religion, creed, identity, makes us uncomfortable. But violence is not making us uncomfortable. Someone wearing what they want to wear according to their own wish makes us uncomfortable, makes us cringe. But hatred is not obscene for us. And the most important thing that this leads to is that we have become so comfortable with violence, hatred. Nafrati itni aasan ho gayi hai ki hum logon ne picture banana shuru kar diye ki mohabbat kitni mushkil hai us par. All movies that we see in Bollywood, sab mein mohabbat mushkil hai, there'll be a villain and it is just so expected ki villain to hoga hi, do log mohabbat nahi kar payenge. So you understand that for us, accepting love is the most difficult. Accepting the people the way they are is the most difficult. We create an in-group. We understand us in the light of others. And there's always an out-group, jisse ya to hum nafrat karenge. Nafrat nahi karenge to bahut saare log rahenge. Nahi, we actually don't hate them. We're just indifferent towards them. Janab, aapka indifference aur aapke stereotypes un nafraton mein contribute karte hain. ये कॉन्वर्सेशन बहुत सिंपल है. आई डिड नॉट टॉक अबाउट ऑल द वर्क दैट आई डू, बट जस्ट दिस, बिकॉज इट इज सो एसेंशियल फॉर अस टू अंडरस्टैंड. वी ऑल हैव टू गो बैक टू आवर रूट्स, एज एवरीवन कंटिन्यूअसली से हमारा पास बहुत लाजवाब था, हमारी रूट्स बहुत एसेंशियल हैं. मगर कई बार हम अपनी नफरतों को रिकोगनाइज ही नहीं करते हैं. और क्योंकि रिकोगनाइज ही नहीं करते हैं, इसलिए उन पर सवाल ही नहीं उठाते. वी नेवर क्वेश्चन देम, नेवर क्वेश्चन देम. व्हाई? बिकॉज वी नेवर एक्नॉलेज देम. और इसी वजह से हमारी रूहों पर, हमारे किरदारों के ऊपर एक मुर्दा शांति छा गई है. वो शांति जो आवाज़ ही नहीं उठाती अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा हो. सो नो, डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन दैट आई हैव जस्ट हैड फ्रॉम यू. मेरी इतनी बिसाती नहीं है कि हम आपको कुछ बताएं या समझाएं टू आस्क यू डू एनीथिंग, बट समथिंग वेरी सिंपल. अक्नॉलेज एवरी डे एक्शंस दैट यू डू. अक्नॉलेज दैम. Try to understand. अगली बार जब आप कोई माँ या बहन की गाली देने वाले होंगे, ज़रा सोचिए कि आप प्रोग्रेसिव होने के बाद भी कितने मिसोजिनिस्ट और पेट्रियार्कल हैं. जितनी बार आप किसी मर्द को किसी ट्रांसजेंडर के लिए यूज़ हुआ स्लर से बुलाएंगे या कोई ऐसा मुहावरा यूज़ करेंगे, आप सोचिए आप कितने प्रॉब्लमैटिक हैं. किसी इंसान के लिए अगर आप कास्ट स्लर यूज़ करेंगे, बस इतना है कि गो बैक टू योर रूट्स, बट नॉट जस्ट टू ग्लोरीफाई दैम, बट टू क्वेश्चन दैम, टू अकनॉलेज दैम. क्योंकि इस जुल्म में जो खामोश रहे, जालिम भी वही, कातिल भी वही. इस जुल्म में जो खामोश रहे, जालिम भी वही, कातिल भी वही. जो अपना दामन झाड़ना चाहे, इस जुल्म सितम में शामिल भी वही, शामिल भी वही.